हेलो गाइस, मैं अमृता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने गार्डनिंग चैनल फ्लोरा में। आज हम एक ऐसे सॉल्यूशन बनाएंगे जिससे हम हमारे इस प्लांट को किसी भी डिसीज के अटैक से बचा सके। ये मैंने जार में 1 लीटर पानी लिया है जिसमें मैंने लगभग 1 टेबल स्पून इतना नीम ऑयल डाला हुआ है। नीम ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, आपको किसी भी मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो स्पून मैं दिखा रही हूँ ये लगभग 12 ग्राम का है जिसमें हम अब हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट लेंगे और ये है वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर। इसके जगह आप कोई भी लिक्विड सोप भी ले सकते हैं, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम लेनी होगी। मैं इस वक्त आपको ये वॉशिंग पाउडर लेके दिखाऊंगी क्योंकि ये इजीली हर एक के पास अवेलेबल होगा। ये लीजिए, हमने पानी में डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, 2 मिनट में सारा डिटर्जेंट इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम हमारे स्प्रे बॉटल में इसे भर लेंगे। इस सोल्यूशन से हमारे प्लांट पे कोई डिसीज नहीं होंगी और अगर चींटियाँ लगी हों तो वो एक रात में ही गायब हो जाती है। अब हम हमारे स्प्रे बॉटल में इसे अच्छे से भर लेंगे और हमारे सारे पौधों पे इसे स्प्रे कर लेंगे जिसमें हमें लगता है कि डिसीज है। जहाँ पे चींटियाँ भी लगी हैं वहाँ पे भी अगर हम स्प्रे करते हैं तो भी सारी चींटियाँ भाग जाएंगी। एक बात का ध्यान आप हमेशा रखें, इसका इस्तेमाल आप हमेशा सुबह धूप खिलने से पहले या फिर शाम को धूप के जाने के बाद ही इस्तेमाल करें। अगर धूप में आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्लांट को बहुत हानि हो सकती है, पत्ते ख़राब हो सकते हैं, पौधे भी जल सकते हैं। अब हम इसका इस्तेमाल मेरे पौधों पर करके देखते हैं। ये देखिए, ये मेरा सेवंती का पौधा है जिसे क्रिजेंटिमम भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी चींटियाँ लगी हुई हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे चींटियाँ भी बहुत जल्दी भाग जाती हैं। इसी तरह से मैं अपने बाकी कुछ पौधों पे भी इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कॉन्टेस्ट अब